कठुआ न्यूज़ 24/7 दिखने वाले सारे दर्शक ही उतीन शर्मा ते कैमरामैन दित्ते तरफों सारे की राम राम। एक बड़ा दुख वाला समाचार है साढ़े कठुआ रौने वाले ग्रां कलसपुर के भगवान दास वो शहीद हुई गए। अस तुसें गी सनाई ओड़चै कि त्रिपुरा च उंदी ड्यूटी ही ते CRPF च जेहड़ी 107 रैपिड एक्शन फोर्स है उहदे विचों काम करदे हे ते बड़े लंबे चिरे तो जिहड़े हे वो बीमार हे। बीमार भी क्यों होए क्योंकि उंदे भरा होने सुनाया क्योंकि असीं उंदे भरा कोलों भी पुछया कि कियां होया सारी क्योंकि पुछना जरूरी हुंदा ते उन्हें सुनाया कि जिले नौकरी गए हे उसले दे ही बीमार हुए थे क्योंकि उधर का पानी जिहड़ा त्रिपुरा थोड़ा खारा पानी हुंदा तुसें पता उहदे कारण उंदे लीवर जिहड़े है वह भी डैमेज होई गए हे। पर उंदी जिहड़ी धर्मपत्नी ही उन्हें अपना लीवर भी दिता ते उहदे कन्ने कन्ने मैं तुसें एक होर गल सुनाना हाले भी उंदी जिहड़ी धर्मपत्नी है वह अस्पताल च है क्योंकि बीमार है वह भी उंदा भी 70% जिहड़ा लीवर वह बचदा नहीं है। तो अज जिहड़ा है ना शहीद भगवान दास हुंदा पार्थिव शरीर जिहड़ा है ना वह उंदे पैतृक ग्रां जिहड़ा जियां पैतृक ग्रां अस गलांदे नहीं कलसपुर पुज्जिया ते सारे ग्रां आले हे ते पूरे सैन्य सम्मान कन्नै जिहड़ी है ना शहीद भगवान दास होने की जिहड़ी है श्रद्धांजलि दित्ती। ते अस भी कठुआ न्यूज़ 24/7 की पूरी टीम जिहड़ी है वह श्रद्धांजलि देने ते शहादत की जिहड़ी है उंदी नमन करने ते उंदे घर आले ये भी गलाया कि भगवान दास होने जिहड़ा है ना उनेंगी देश कन्नै बड़ा प्यार हा ते देश कन्नै ही प्यार हा ताइयों वह बीमार भी होई गए हे। उनेंगी पता हा उधर का पानी खारा है पर तां भी वह नौकरी करा करदे हे भारत देश आस्ते। तो साढ़े जिन्ने भी यूथ है ना उनेंगी भी जिहड़ा ना आर्मी च जाना चाहिए CRPF च जाना चाहिए जिनी भी साड़ी फोर्सिज है ना उंदे विच जाना चाहिए ते देश असे जिहड़े है ना वो उन्हें अपने प्राण ते दे दित्ते है शहीद भगवान दास होने ते तुस भी जिहड़े है ना शहीद भगवान दास होने की ना घर बैठे दे वीडियो दिखिए तुस उनेंगी जिहड़ी है ना श्रद्धांजलि दे ओड़ो। Thank you.
ना केशव दत्त है ये कलशपुर के रहने वाले असं जैकपाल फादर से ने मेरे ब्रदर है असं तीन मैं केशव भगवान दास जिसकी डेथ हुई है उसके बाद जो रोहित मैं सबसे बड़ा हूँ मैं छोटे इनके ना ये शुरू से ही जब ये भर्ती हुए थे तो क्या नाम है वो जगह का त्रिपुरा में भर्ती मतलब गए थे पहली पोस्टिंग वहाँ का पानी था उस वक्त खराब है उस वक्त ना आर ओ शारो वगैरह तो फिल्टर शिल्टर थे नहीं ये 2000 का भर्ती है तो वो आर ओ शारो थे नहीं तो जब वो ही पानी पीते थे उस पानी के साथ ना इसके लीवर में थोड़ी प्रॉब्लम थी शुरू से क्योंकि जब भी कुछ खाता था उसके बाद ये तुरंत उसी वक्त टॉयलेट जाता था तो मुझे बोलता रहता था कि यार ये मुझे प्रॉब्लम रहती है तो थोड़ी बहुत दवाई ली एक इन्होंने एनका वाला डॉक्टर है हार्टली मोड बना के रखा हुआ एक और डॉक्टर बना के रखा हुआ है दो डॉक्टर बना के रखे हुए हैं जिनसे टेबलेट ली खाई और ठीक हो गए चलते बने बस ये ऐसे चलते रहा धीरे धीरे प्रॉब्लम वो बढ़ने लगी पहले जो को मतलब उसके बाद फिट भी रहे ना क्योंकि जवानी थी उस वक्त नहीं फर्क पड़ा कुछ बॉडी को है ना बच्चे जवान था उस वक्त जवानी में फ़र्क नहीं पड़ा इसकी बॉडी को तो जो कोबरा कमांडो में भर्ती हो गया उसमें क्या था कि 10,000 रुपया एक्स्ट्रा पे मिलती थी तो हमारे घर की कंडीशन ऐसी थी कि 10,000 रुपया हमारे लिए बहुत ज़्यादा थे ऐसे इसकी बेसिक पे 3,300 रुपये थी 10,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलने से कितनी 13,000 बनती थी हमने मकान भी डालना था काम भी करने थे घर में एक ही आदमी कमाने वाला था हमारे घर में उस वक्त वही और मैं छोटा मोटा काम करता था दिहाड़ी दप्पा लगाता था और ऐसे काम करता था इसी ने सब कुछ बनाया इसी के बलबूते पर हम 7 भाई बहने हैं उनकी शादी की सब कुछ किया मकान भी बनाया हमने तोड़ के सब कुछ किया और ये इसी कार का कोबरा कमांडो में गया था 10 साल कोबरा कमांडो में देने के बाद ये आया उसको चॉइस मिली थी कि तू कहाँ ड्यूटी करना चाहता है इसने बोला मैंने जम्मू में ड्यूटी करनी है जम्मू में इसको कटरा में भेज दिया कटरा बीबी ने वो अपना लीवर डोनेट किया हुआ है 70% लीवर डोनेट किया हुआ है वो एडमिट अभी हॉस्पिटल में है तो ये इस बॉडी को लेके हमने आना पड़ा हम डिमांड ये करते हैं कि जो लेडीज जिस जो सब कुछ खो बैठी है ना तो उसकी अपनी बॉडी रही पूरी ना तो उसका हस्बैंड रहा ना उनके पास इनकम सोर्स रहा उनको उनका अपना हक मिलना चाहिए जो जैनून बनता है वो हक मिलना चाहिए और उसकी जगह CRPF में ये है भी है कि वो जॉब को ऑफर कर सकते हैं ठीक है मैं चाहता हूँ वो लड़के को जॉब को छोड़ के वो ऐसे बोले कि हम देखेंगे लड़का 17 साल का 18 साल का हो जाएगा तो हम जॉब उसको दे देंगे हम उसको छोड़ के आप लड़की को जॉब छोटी मोटी दिला दो वो हमसे ठीक रहेगा हमें ठीक है क्योंकि लड़का 17 साल की उम्र में पता नहीं उसका माइंड ऐसा होगा कि मैं CRP की जॉब करूं क्योंकि उसका फादर गया हुआ है CRP में रह के उसका माइंड ऐसा करेगा या नहीं करेगा वो हम नहीं समझेंगे मतलब उस वक्त देख सकते वो बाद की बात है मैं आज का देखूंगा फ्यूचर देखूंगा अब का देखूंगा
अब की बात है, अब चलना है, अब यही डिमांड है कि उसे नौकरी चाहिए, कहीं ना कहीं एडजस्ट करो और जरूरी है। थैंक यू।